Karim. Isotonic solutions. देखो मान लीजिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टू है। मान लो पाई वन पाई टू बराबर है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर है। देन सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, आइसोटोनिक। लेकिन मान लो अगर पाई वन बड़ा हो गया किससे, पाई टू से, मतलब पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दूसरे वाले से, तो पहले वाले को बोलेंगे देन फर्स्ट सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक एंड सेकेंड सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। समझे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं, जिसका कम होता है उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं, और अगर बराबर होता है दोनों को आइसोटोनिक बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। Find molecular mass of X. क्वेश्चन वापस से समझा दे रहा हूं। दो सॉल्यूशन, एक तो केन सुगर का सॉल्यूशन है और एक और सॉल्यूशन, ठीक है। केन सुगर तो हमें पता है केन सुगर में 5% वेट बाय वॉल्यूम। दूसरा जो X है वो ये नहीं पता कि कौन है, ठीक है। X मान लेना उसका मॉलिकुलर मास हमें नहीं पता है, लेकिन हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है कितनी है, 1% वेट बाय वॉल्यूम। दोनों आइसोटोनिक है तो करोगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर मान लेना उसका मॉलिकुलर मास x है या m है, ठीक है। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल के बराबर कर दो, m आ जाएगा। करो, यही करना है आपको।
यही करें, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल के बराबर कर दें। घर से करते तो बढ़िया नहीं, पीछे पॉमला देखो क्या था उसमें ना, तो आने की गलती आपकी की तो है क्या 66.6 आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है 66.6 आ रहा है, अगर आपका भी आ रहा है तो ठीक है, सिर्फ आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर करना। देखिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर करना है और ये आपको खुद करना है, एक ग्राम तो दिया है
ठीक है, मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन 100 इनटू 1000, दोनों बराबर कर दो, एक्स निकालो, अटेंडेंस लगा दी, आगे समझ में, ये तो मैंने याद करने को बोला हुआ 340। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, समझ में आ गया नहीं? इफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलार सॉल्यूशन ऑफ, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलार सॉल्यूशन ऑफ के आई पोटेशियम आयोडाइड के आई एंड सुक्रोज इज 0.432 एटीएम, इज 0.432 एटीएम एंड 0.24 एटीएम रेस्पेक्टिवली, एंड 0.24 एटीएम रेस्पेक्टिवली देन फाइंड वेंट ऑफ फैक्टर फॉर के आई, फाइंड वैन हॉफ फैक्टर फॉर के आई, कर चुके देन फाइंड वैन हॉफ फैक्टर फॉर के आई, करो अभी मैंने कर रही है बात है, क्या होता है, बढ़ा दिया मैंने, नहीं बढ़ाया,
है, मैंने पढ़ाया नहीं है सर, वेंडर फैक्टर नहीं पढ़ाया क्या? आई नहीं थे कैसे बता रहे वेंडर फैक्टर अभी के लिए बड़ा कॉपी जिससे कॉपी देनी पड़ेगी तो देखना। या तुम यूट्यूब पे जाके मेरे टॉप करते हो, यूट्यूब पे जाके मेरे टॉप करते हो, ठीक है मेरे वीडियो जो ऑस्मोटिक प्रेशर पे आ जाएगा। लास्ट पे लाइव जाके पढ़ाया आपको नोट्स वगैरह करके कंप्लीट करना चाहिए, सब गलत बात है। अब आप पूछ रहे मेंटल फैक्टर का कैसे पढ़ा रहे, पूरा एक क्लास का मेंटल फैक्टर दो। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हो गया? बता सकता हूँ मेरे पास आंसर है ऐसे, मैंने अपनी क्लास में क्वेश्चन दे रखी है मुझे याद है। पिछले वाले का 68.4 आ रहा था, डिवाइड करो कितना है बोलो,
ऐसे इक्वेशन एक बार लिख के तो देखते, आंसर भी नहीं आता। हर रोज अपनी गलतियां देखा करो, गलती कहां कर रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है तुमसे, नहीं आए हो तो फिर इस चीज को कैसे हम सुधारे आगे चलते, नहीं आए तो उस दिन का लेक्चर कैसे हम क्या करें, ये डाल समझ में आ गए। आई आ मुझे तुम पाई इक्वल्स टू आई सी आई टी बता रहे थे ना, आई मेंट ऑफ फैक्टर ही होता है। नेक्स्ट हेडिंग दी गई ऑस्मोटिक प्रेशर और मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस। ऑस्मोटिक प्रेशर और मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखिए इसमें है क्या, ये क्या हम पढ़ना चाह रहे हैं, आपको हम ये पढ़ना चाह रहे हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन है और इसका वॉल्यूम भी वन है, ऐसे ही एक दूसरा सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टू है और वॉल्यूम भी टू, ठीक है, और दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया, ठीक, दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया, बड़ा सा वॉल्यूम कितना होगा, कितना तो बता सकते, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पता तो पाई बोल दी, इतना ठीक है, याद समझ में आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पता तो पाई बोल दिया, लेकिन अगर एक लीटर तीन लीटर मिलाओगे तो चार लीटर बनेगा, एक और तीन मिला के पता है कभी कभी 3.8 बनता है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, तो बाद में बात करेंगे, ठीक, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, क्लियर, चलो अभ्यास। अब आगे जैसे यहां पर हम पाई वन को कितना लिखते, बोलो बोलो कितना लिखते, जो भी होता है इसका आई वन सी वन आई टू है ना, ऐसे पाई टू कितना लिखते, सी वन को पढ़कर क्या लिख सकते हो, एन वन अपॉन समझे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, कितना समझे, फिर यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अगर एन वन मोल है या एन टू मोल है, एक ग्राम चीनी तीन ग्राम चीनी मिला दोगे तो कितना ग्राम चीनी है ना, समझ गए क्या, एन वन एन टू रहेगा तो यहाँ पे एन वन परसेंट हो जाएगा, क्लियर, चलो अभी यहाँ का जो पाई है उसको कितना लिख सकते, बोलो, अच्छा आई का वैल्यू अभी जैसे नॉन डिसोशिएटिव मान रहे थे, चाहे तो आई और आई टू कंसिडर नहीं करते, हम ऐसे सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें डिसोशिएशन नहीं होता, ठीक है, तो बोलो कितना होगा, यहाँ पर सी भी नहीं पता, सी कितना हो जाएगा, मान लो क्या कितना, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो अब ध्यान से सुनो, कितना हो गया, क्लियर, अब बोलो क्या करें, आई वाला भी कर लेते कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसा चलो पहले बिना आई वाले ही बताते, कितना ठीक है, अब बोलो उसको मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, मुझे आर टी का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, इतना लिखो पहले, पहले इतना लिखो,
हो गया डन। ऐसा लिख सकता हूं यहां से पाई वन इंटू बी वन बराबर एन वन आर टी एंड पाई थ्री इंटू बी टू बराबर एन टू आर टी लिख सकता हूं। पाई इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करते एन वन आर टी प्लस एन टू आर टी अपॉन एन वन आर टी को कितना लिखू बोलो पाई में एन वन प्लस अपॉन ये पाई क्या समझे पाई वन बी वन वाले सोल्यूशन को और पाई टू बी टू वाले सोल्यूशन को मिक्स करके नया सोल्यूशन बनाओगे तो उस नए सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा पाई वन बी वन प्लस पाई टू बी टू बी वन बात समझे। सेम एज मोलैरिटी वाला फॉर्मूला है एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू अपॉन बी वन प्लस टू
जो क्वेश्चन बोला गया एकदम सिंपल आंसर बता दो। पहले वाले में कितना है मतलब 18 क्लियर
18% किसका है? 18 upon 180 कर दें, होल निकालिए, अपॉन वॉल्यूम कितना? ये तो इससे कट ही जाएगा, समझ गए? ये तो इससे कट जाएगा, समझ गए? बी वन बी है ना, आर को आर, आर को चलो आर ही रहेगा, टेम्परेचर को भी टी रहेगा। अब बताओ सी टू में कितना लिखे? 6 upon 60 upon 100 इंटू आर इंटू टी इंटू 100 है ना वॉल्यूम, यहाँ पे कितना आ गया 200 टोटल वॉल्यूम कितना, ठीक है? सो यहाँ पे ये 1/10 हो गया और यहाँ पे ये 1/10 हो गया, सो ये क्या हो गया बोलो? RT/10, ठीक है, कितना समझे? प्लस RT/10 कोई दिक्कत इसमें? अपॉन 200, ठीक है। अभी कितना हो गया? 2 RT/10 इंटू 200 100, ठीक है। एक सेकंड, अच्छा हाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने ml में, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरऑल वॉल्यूम ml में, ठीक है। बचा क्या? अब आर की वैल्यू मैंने बताई 1/5, समझ गए क्या? कोई दिक्कत तुमको समझ में आया? ठीक है, सब बात